गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर्स लेकर आई हूँ साइंस के, जो बायो भी है, मैथ्स भी है, जनरल साइंस भी है और केमिस्ट्री का भी है। उसमें जो मेन अपनी पेडागॉजी साइंस की सेकेंड यूनिट जो है, उसका सारा मटेरियल मैं आपके सामने आज रखूंगी क्वेश्चन पेपर्स के द्वारा। क्वेश्चन पेपर जो है 2019 का, 2018 का, इन्हीं के क्वेश्चन है वो आपके सामने रखूंगी, और आपको एक क्वेश्चन पेपर को कैसे बिठाना है दिमाग में और उसके हिसाब से तैयारी करके कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है वो आज हम सीखेंगे। इनके आंसर्स भी करवाऊंगी, बस थोड़ा सा साथ में रहिएगा, सारा चीज आ जाएगी। सबसे पहले अभी मैं 2019 का पेपर आपके सामने रख रही हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते पहले। बैठा दे बेटा, दिखाई दे रहा है सबको? पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है, 9206 कोड नंबर पेपर है, 2019 का है। गाइज ये फोटोकॉपी है पेपर्स की, पीडीएफ की, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे तो मुझसे पूछ लेना, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। देखिए सबको पता है मार्किंग तो सबसे फ्रंट पेज पर होती है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। जो अपना पार्ट सी है वहाँ से एक बार बताती हूँ मैं आपको। इसमें देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो पेपर में मैंने थर्ड थर्ड जहाँ लिखा है वो थर्ड नहीं है, वो सेकंड है। सेकंड यूनिट जो है अपनी, जो रिलेट करती है लर्निंग रिसोर्सेस है, पूरी सेकंड यूनिट वही है। ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा। अब देखिए जो मैंने मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस पर देखिए, जो अपना क्वेश्चन है ये है, गणित मेलों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ब्रीफ नोट अबाउट मैथमेटिक फेयर्स। ये उसी का क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, लिखा मैंने थर्ड है, बस यही थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे, आप एक बार देख लें। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें देखिए जो क्वेश्चन है वो है गतिविधि आधारित गणित शिक्षण और सीखना, मतलब कि आप एक्टिविटी बेस्ड क्या चीज़ें, ऐसे प्रकरण हैं, कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गणित में शिक्षण करवा सकते हैं या बालकों को सिखा सकते हैं। मूल्यांकन वाला वो नेक्स्ट यूनिट से है, ये सेकंड यूनिट वाला है गतिविधि वाला। अच्छा देखिए दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही पढ़ गए। अगला देखिए, सबसे पहला दिखाती हूँ आपको पार्ट सी का। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सपोर्ट मटेरियल ब्रीफली। इसको हिंदी में एक बार आपको बता चुकी हूँ मैं, वापस बताती हूँ। इसमें है गणित शिक्षण सीखने में सहारा देने वाली सामग्री का क्या महत्व है, यह सामग्री कितने प्रकार की होती है, संक्षिप्त व्याख्या करें। ये भी बड़े क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये भी अपना सेकंड यूनिट का है, सारा लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही आया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ मैथमेटिक मॉडल इन लर्निंग मैथमेटिक्स। मॉडल्स के बारे में पूछा है भैया कि जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं गणित, गणित सिखाते वक्त मैथ्स में आपके कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो आप बालकों को अच्छे से सिखा सकते हैं क्लास में। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है 2018 का, ये आपका 2019 का पेपर था, मैं अभी आपके सामने मैथ्स के 2018 के क्वेश्चन रख रही हूँ, वो भी थोड़ा सा नज़र मारना है आपको। फिर देखिए जो अपने यूनिट सेकंड से है, एक्सप्लेन बाय टेकिंग टू एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल पजल्स एंड टू एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल गेम्स। ये देखिए क्या है, उदाहरण द्वारा दो गणितीय कूट प्रश्न और दो गणितीय खेलों की व्याख्या कीजिए। अब गणित में ऐसे कौन से खेल हैं या कौन से ऐसे पजल्स हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसे कौन से प्रकरण हैं, वो उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। बड़े नंबर में आया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है, गणित शिक्षण के संदर्भ में अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं। अधिगम संसाधन जो अपनी पूरी यूनिट सेकंड भरी पड़ी है इसी से, सहायक सामग्री के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग रिसोर्सेज विद इन द कॉन्टेक्स्ट टू मैथमेटिकल टीचिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। अब देखिए तो 2018 का मैथ्स का था, मैं एक बार 2019 का आपको वापस दिखाती हूँ। केमिस्ट्री 9209, इसमें देखिए कितना किस हद तक क्वेश्चंस भरे हुए आते हैं यूनिट सेकंड से, इसलिए फर्स्ट मैंने ये डिसाइड किया कि आपको सेकंड यूनिट एकदम रिवीजन करवाऊँ अच्छे से, मैक्सिमम मार्क्स की आती है। अब देखिए पार्ट ए में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी इसी से आया हुआ है सेकंड यूनिट का। सजेस्ट टू एक्टिविटीज दैट कैन बी अरेंज्ड फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस रिलेटेड टू केमिस्ट्री।
हिंदी सामुदायिक जागरूकता हेतु रसायन से संबंधित दो गतिविधियां समझाइए, यानी कि कम्युनिटी में आप कैसे बालकों को केमिकल के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उनको अवॉइड कराएंगे, ऐसी दो गतिविधियों के बारे में बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी फोर जर्नल्स और मैगजीन्स। ये तो भाई अगर ना पढ़ा हो तो कतई याद ना आए कि क्या है वो जर्नल्स, कौन सी है मैगजीन्स जो साइंस रिलेटेड है। लेकिन आपको सत्रीय कार्य में ये सारी चीज़ें दी जाती है तो जाहिर सी बात है आपको आएगा। विज्ञान से संबंधित कोई भी चार पत्रिकाएं या जर्नल के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पार्ट ए में ही आया हुआ है। देखिए पार्ट ए में टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके चार हिस्से करे हैं उन्होंने। फिर देखिए पार्ट बी में वापस से आपका यही सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन आया है। विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाने वाले कोई 6 नवीन मॉडल की सूची बनाइए कि आप विज्ञान प्रदर्शनी में कौन सी ऐसी चीज़ें प्रदर्शित करेंगे जो केमिस्ट्री से या जो साइंस रिलेटिव हो लेकिन इनोवेटिव मॉडल्स होने चाहिए। तो 5, 6 से 6 आपको नवीन मॉडल बताना है। नवीन मॉडल जानने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि एग्जीबिशन में लगाएंगे तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भाई अभी जो करंट अफेयर में है, जो प्रॉब्लम चल रही है एनवायरनमेंट में, वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल्स तैयार करवाएंगे बच्चों को और फिर ही करवाएंगे। लेकिन जब खुद के दिमाग में नहीं होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। अब देखिए पार्ट सी का जो क्वेश्चन है बड़े नंबरों में, वो भी वहीं से आया है। अब देखिए मैं बोल के पढ़ाती हूँ। विज्ञान प्रश्नोत्तरी की कैसे योजना बनाएंगे। विज्ञान प्रश्नोत्तरी क्या होती है सभी को पता है, क्विज। साइंस क्विज के अंदर क्वेश्चंस आपने क्या रखे हैं, कैसे आपने वो क्वेश्चंस बनाए हैं, और विज्ञान प्रश्नोत्तरी हेतु कोई 10 प्रश्न बनाइए जो दैनिक जीवन में काम आने वाले विज्ञान से संबंधित हो। ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले ही होगी तो आपको पेपर देते वक्त सोचने की जरूरत नहीं होगी, आप इंस्टेंट लिखते हुए होंगे, वरना समय भी बर्बाद होता है। सजेस्ट एनी 10 टॉपिक्स ऑन विच यू कैन कीप इन होम डिस्कशन। अभी सब घर पर बैठे हैं कोरोना की वजह से, तो होम डिस्कशन कैसे हो सकता है, बालकों की जैसे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपके परिवार के सदस्यों की हो रही है, तो ऐसे बच्चे जो कम से कम 10th क्लास तक है या प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, आप उनके साथ में होम डिस्कशन कैसे करेंगे। कोई भी ऐसे 10 प्रकरण या टॉपिक बताइए। तो साथ ही उन विषयों पर चर्चा रखने के कारण भी बताइए कि हमने उन्हीं प्रकरणों की चर्चा क्यों की। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में ही आई है। अब देखिए आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ 2019 का थर्ड यूनिट, इसमें भी किस तरीके से भरी पड़ी है, जनरल साइंस की है। ऊपर देखिए 9/07/2019 का पेपर है। कुछ भी क्लियर ना हो मुझसे वापस मैसेज करना, मैं क्लियर भेजूंगी आप लोगों को, लेकिन ये पेपर्स अपने दिमाग में अच्छे से रखना और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, सभी क्वेश्चंस की जो यूनिट सेकंड से रिलेटेड है जो मैं आपको बता रही हूं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। आपका जो लर्निंग रिसोर्स होता है, सबसे पहला जो मुख्य साधन होता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, अपनी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज करता है। तो ये भी क्वेश्चन लर्निंग रिसोर्सेज वाली यूनिट से है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वहीं से है, सामान्य विज्ञान शिक्षण में इंटरनेट का क्या मतलब महत्व है। थर्ड जो आया वो भी वहीं से है, सेमिनार से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू मीन बाय सेमिनार, ये उससे है। फिर अगला देखिए वो भी उसी से है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस। तो आप मान के चलिए पार्ट ए के चारों हिस्से जो हैं, गौर से देखना, चारों हिस्से फर्स्ट टू फोर्थ, चारों हिस्से जो हैं चारों के चारों यूनिट सेकेंड से हैं। अगला जो है पार्ट बी का, पार्ट बी में आपका आया है जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए गौर से, यूनिट थर्ड सेकंड का थर्ड क्वेश्चन जो यूनिट सेकंड से माना गया है, इन्होंने पार्ट बी जो बनाया है वो देखिए सेकंड का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन द साइंस टीचिंग। वापस देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन अभी अभी हमने बायो में देखा, केमिस्ट्री में देखा। डिस्क्राइब एनी 3 टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस टीचिंग। ये पार्ट बी का यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़े नंबरों का है, आगे चलिए। जो आपका यूनिट जो थर्ड का क्वेश्चन है वो देखिए नीचे साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड आया है, लेकिन ये जो यूनिट थर्ड है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ
पहले की क्लास में साइंस लेबोरेटरी के ऑब्जेक्टिव्स बताइए, यानी कि उद्देश्य बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग, यानी कि साइंस लेबोरेटरी के उद्देश्य बताइए। अगला देखिए पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी में जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो देखिए इस बड़े नंबरों में, वो भी यही है क्या, व्हाट इज मीन्ट बाय अ फिल्म फील्ड ट्रिप, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप इन साइंस टीचिंग, क्षेत्रीय भ्रमण से आप क्या अभिप्राय रखते हैं, आप क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन किस प्रकार करेंगे, विज्ञान शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। इसमें जब वो कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन आप कैसे करेंगे, तो आपको इस वक्त एक साइंस टीचर के नज़र से देखना है और अपने आप को साइंस टीचर की जगह पर रख करके इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। ये तो हुआ आज का आपका क्वेश्चन पेपर जो है जनरल साइंस का। अब देखिए मैं सीधा मटेरियल पर आती हूँ एक बार, बायो में भी सेम वही चीज़ है। ये बायो का पेपर है आपका 9210, ये भी 2019 का है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पढ़े हैं आप लोगों के यूनिट थर्ड से, सॉरी यूनिट सेकंड से, हर जगह यूनिट थर्ड लिखिए, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। पार्ट ए में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सेकंड देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल्स, मॉडल के महत्व को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर, यह हम कर चुके हैं, इसका संगठन क्या होता है इस पर चर्चा कीजिए, हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। फिर अगला देखिए ऑनलाइन शेयरिंग क्या होती है, ये भी वही है, यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। फिर देखिए पार्ट बी के अंदर नफेल्ड हम कर चुके हैं क्लास के अंदर, ये भी देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर यूनिट सेकंड से देखिए अगला क्वेश्चन, यूनिट सेकंड का मैं बोल के बताती हूँ आपको, जीव विज्ञान प्रयोगशाला का लेआउट प्लान बताइए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मैंने लेआउट आपको भेजा था, प्लान वही है जो एनसीईआरटी ने या नफेल्ड ने तय किया था, ये वही है जो हम पुराने क्लास में कर चुके हैं। अब देखिए पार्ट सी का पोर्शन, पार्ट सी में जो नेक्स्ट आया है हिंदी में पढ़ के बताती हूँ, जीव विज्ञान में विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य का के महत्व बताइए, प्रायोगिक कार्य के गठन में किन मुख्य बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी यूनिट सेकंड का ही है। यानी कि मान के चलिए कि यूनिट सेकंड अगर कर ली तो आराम से नंबर आ सकते हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन में भी सेमिनार के बारे में बताया हुआ है, सेम वही चीज़ है, यूटिलिटी ऑफ सेमिनार, सेमिनार किस लिए ज़रूरी है, सेमिनार की उपयोगिता क्या है। और लास्ट में देखिए सी पोर्शन, सम्मेलन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। अब आपने चारों पेपर देख लिए अच्छे से, अब मैं आती हूँ रिवीजन करवाने के पर, यूनिट सेकंड का रिवीजन करते हैं एक बार बोर्ड पर, क्वेश्चंस देखें। अब थोड़ा आते हैं रिवीजन के तरफ, रिवीजन जो है अपना आज यूनिट जो अपनी सेकंड है, बार बार मैंने यूनिट थर्ड उसमें लिखा था तो थोड़ा ध्यान रखिए यूनिट सेकंड थी। साइंस लर्निंग रिसोर्सेस मतलब ऐसे संसाधन जो हम लर्न करवा रहे हैं बच्चों को, साइंस कैसे पढ़ाना है स्कूल के अंतर्गत, स्कूल के बाहर, यानी कि औपचारिक ढंग से भी और अनौपचारिक ढंग से भी। थोड़ा सा दिखाते हैं इसको, टेक्स्ट बुक सबसे पहला जो आता है लर्निंग रिसोर्सेज में वो आता है टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग हैंडल कर लेंगे मुझे पता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो टीएलएम, सब जानते हैं टीएलएम क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम होता है। टीएलएम के अंदर तीन हिस्से किए हैं, एक है श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य दृश्य, मतलब एक जो सुनने वाली, सिर्फ सुनने वाली, एक देखने वाली और एक दोनों काम होने वाली। अब देखिए मैं एक बार आपको बोल के बताती हूँ, मौखिक उदाहरण है। अब देखो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था आपको, 2018 में आया हुआ है, 2019 की बायो में भी आया हुआ है, केमिस्ट्री में भी है और जनरल साइंस में भी है। तीनों में आपको सेम बात पूछी गई है कि साइंस लर्निंग रिसोर्सेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप उनकी विशेषताएं बताइए। तो आपको जब उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि साइंस लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में आप क्या समझते हैं, तब आपको ये पूरा चार्ट बनाना है। इसमें से तीन से चार चीजें भूल भी जाएंगे डजंट मैटर, लेकिन ये बनाना है। ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम में भी आया हुआ है, इसको पूरा बना देंगे मान के चलना, उसके बाद अंदर क्या लिखते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा आपका फ्लो चार्ट। अब देखिए नाटक, टीवी, चलचित्र, कठपुतली, वर्किंग मॉडल, डब्ल्यू फोर मैंने लिखा है वर्किंग मॉडल, ये आपका वर्किंग मॉडल है। ये देखिए वर्किंग मॉडल जो होगा मेरा फिजिक्स में भी बनेगा, मेरा जनरल साइंस में भी बनेगा,
केमिस्ट्री में भी बन सकता है और बायो में भी बन सकता है। बायो में हम बालकों को ब्लड सर्कुलेशन वर्किंग मॉडल से समझा सकते हैं, ट्यूब्स लगाकर रेस्पिरेशन को समझा सकते हैं। फिजिक्स में सारे जितने भी मॉडल्स है वर्किंग मॉडल है, इसीलिए मैंने उसे श्रव्य दृश्य में रखा है। अब देखिए ऐसे कौन से प्रकरण है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नाटक के द्वारा समझाई जा सकती है। गणित आ गया, गणित के लिए नाटक कैसा करेंगे, कौन से प्रकरण लेंगे जो बालकों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। भाई प्राइमरी स्कूल्स हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, मैथ्स पढ़ाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है, तो वो सब अपन इन द्वारा कर सकते हैं लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू। अब देखिए टीवी भी है, तो टीवी में हम करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स दिखाइए बच्चों को जो टीवी से रिलेटेड है। अभी तो इतने चीजें आ चुकी है कि हम दूरदर्शन के द्वारा या टीवी के थ्रू उन बच्चों को लर्निंग करवा सकते हैं। चलचित्र आ गए, बहुत अच्छी चीज है, स्लाइड्स बनाकर या प्रोजेक्ट द्वारा हम दिखा सकते हैं। कठपुतली नाटक, ऐसे कौन सी चीजें हैं प्रकरण है जो कठपुतली के द्वारा दिखाई जाती है। वर्किंग मॉडल आ गए, शामपट आ गया, मॉडल यहाँ पर भी आया है लेकिन ये वो मॉडल है जो वर्क नहीं करेगा। और सूचना पट आ गया, प्लानर बोर्ड, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में भी सब जानते हैं, स्लाइड बायो में आती है तो इस वजह से ये भी सब जानते हैं, लेकिन ये पीपीटी के रूप में भी आपको देखनी है। चार्ट पेपर्स के बारे में भी जानते हैं। फिल्म स्ट्रिप जो होती है छोटी सी होती है, 20 से 25, 30 mm तक की होती है, उसके स्ट्रिप निकलती है, उसमें आप साइंस रिलेटेड बालकों को, छोटे बच्चों को भी इससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब बात करूं समुदाय के द्वारा कैसे पढ़ा सकते हैं, मीन्स कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, म्यूजियम बायो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मिल गई है पहले की, रसायन जो मिले हैं या जितने भी प्रमाण मिले हैं वो हम म्यूजियम में बच्चों को दिखा सकते हैं, उनका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं। एक्वायरिया होती है जो हम एक्वेटिक एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के बारे में, एक्वेटिक प्लांट्स या उनकी लाइफ के बारे में भी समझा सकते हैं उनको वहां ले जा करके। और सबसे अच्छी बात कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम उनको उनके द्वारा दिखा सकते हैं। लेकिन प्रकरण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन एक्वेरिया जो है वो आपके फिजिक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, यह बात आप जानते हैं। केमिस्ट्री से भी इतना रिलेट नहीं करता, लेकिन केमिस्ट्री में जो हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल आती है, भू रासायनिक जो चक्र आते हैं वो इसमें जरूर हो सकता है, क्योंकि उसमें पूरा लाइफ साइकिल जो चलता है हम बच्चों को समझा सकते हैं पानी के द्वारा और वहां के जीवों के द्वारा। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सब्जेक्ट बायो, तो बायो वाला थोड़े से इसको कॉन्सेंट्रेट करे। फिर आते हैं गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स, बायो, जू, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों आएंगे, तो ये भी बायो वाले से रिलेटेड है। इकोसिस्टम भी बायो से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें जो आती है ये आपकी बायो से रिलेटेड आती है, तो बायो वाले थोड़े से ध्यान से इसको देखें कि हम बाहर कम्युनिटी के द्वारा इन सब चीजों को कैसे सिखा सकते हैं। एक बात और मैं बताऊं, हम जो लर्न करवा रहे हैं उसके द्वारा, उन रिसोर्सेज के द्वारा हम बच्चों में बहुत अच्छे गुणों का विकास भी कर सकते हैं। फिर देखिए जो हम पढ़ते हैं नैतिक मूल्य, लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, फैमिली आते हैं, दोस्त आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वहां के फंक्शंस आते हैं, उन सब चीजों के द्वारा हम सिर्फ बच्चों को जनरल नॉलेज दे सकते हैं साइंस से रिलेटेड। फिर आता है रिसोर्सेस आउटसाइड द स्कूल, ये क्या है रिसोर्सेस आउटसाइड द स्कूल में क्या आता है, आउटडोर, आउटडोर गेम्स जितने भी होते हैं वो आपको पता है, हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं खेल विधि के द्वारा बालकों को पढ़ाना, तो आउटडोर गेम्स में हम बालकों को बता सकते हैं। आउटडोर गेम्स के साथ में ही हम उनको स्कूल के बाहर जो ग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बालकों को दे करके उनमें क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, जागरूकता हो सकती है कि बालक खुद करके सीखेगा, उसके दिमाग में वो सारी चीजें स्थायी रहेगी। फिर देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनसीईआरटी ने भी ये चीज बहुत जल्दी लागू कर दी थी एनवायरमेंटल एजुकेशन, उन्होंने कहा था कि आप ईवीएस दीजिए, बच्चे को साइंस का फोबिया मत दीजिए छोटे क्लासेस में। सीबीएसई में सेंटर बोर्ड में स्टार्टिंग से ही ईवीएस आ जाती है फर्स्ट क्लास से, तो ईवीएस में बालकों को वो फैमिली का, ऑक्यूपेशंस का नॉलेज देते हैं, फाइबर्स का नॉलेज देते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, फैमिली जो होती है वो ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, हेरिडिटी जो आ रही है बालकों में वो क्या होती है। हेरिडिटी से मुझे याद आया, आप लोकल एनवायरमेंट से भी बालकों को बता सकते हैं। अब देखिए अनुवांशिकता, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, रिक्रिएशनल एंड एडवेंचर, इस पर मैं ज्यादा गौर करूंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिक्रिएशनल एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। ये क्या थे, अभी जो मैंने आपको डिस्कस किए पेपर्स
उन पेपर्स से मैं वापस आती हूँ। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इस पर गौर करना, मैं सारा एक बार हटा देती हूँ फिर आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए इसमें आता है साइंस फेयर, साइंस लैब, साइंस क्लब, फिर आता है एग्जोशन, एग्जोशन नहीं करके मैं लिख देती हूँ फील्ड ट्रिप, साइंस का भ्रमण जो हम बालकों को साथ में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें आएगी फील्ड ट्रिप के अंदर। और जितने भी अभी अपन ने चीजें करी है, लेबोरेटरी हो, वो सारी की सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, एडवेंचर्स है। इसमें ये पूरी सेकेंड यूनिट आपकी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। इसमें जो खास जो गौर किया गया या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं से आए हैं, सबसे ज्यादा। और जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा आई है वो है लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप उनसे क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये फ्लो चार्ट आपके काम का है और ये सारी चीजें आपके काम की है। पजल्स आ गया, क्विज आ गया, इतना है। चलिए मैं लिख भी देती हूँ, साइंस क्विज, प्रश्नोत्तरी कैसे तैयार करेंगे, बच्चों को पजल्स कैसे बनाएंगे, अगर बच्चों को कोई पजल्स तैयार करने हैं, अभी एप्टीट्यूड की किताबें आती है छोटे बच्चों की प्राइमरी क्लासेस की, तो उसमें अपने को आता है एडवेंचर के रूप में रीजनिंग दी जाती है बालकों को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप मैथ्स के हो गए वो तैयार करके बच्चों को बता सकते हैं। और फेयर क्लब, क्लब ये आ गया, लेबोरेटरी, फील्ड ट्रिप आ गया, साइंस क्विज आ गया, इनमें आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तरी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें कौन से प्रकरण है जिनकी आप प्रश्नोत्तरी बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है। लेकिन हार्ड कब आता है, जब आपकी बात भ्रमण की आती है, तो भ्रमण अपना एक लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड कैसे, कि जैसे इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटल है, या फूड चेन हो गए, या पिरामिड्स हो गए फूड चेन के, उन सब से रिलेटेड हम नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन भाई फिजिक्स के लिए जब मुझे फील्ड ट्रिप करनी पड़ेगी तो मुझे कहीं ना कहीं उनको ले जाना पड़ेगा ऐसी जगह पर जहां पर वो फिजिक्स की पूरी एक्टिविटीज को सीख सके। फिजिक्स के ऐसी चीजें जैसे मान ली मुझे रेजिस्टेंस समझाना है, तो रेजिस्टेंस तो मैं घर पे भी बता सकती हूँ या फिर मैं क्लास में बता सकती हूँ, लेकिन वो पूरा सर्किट जुड़ता कहते हैं कैसे है, सीरीज में, पैरेलल में, कैसे कमरों में ऐड हुआ है, तो मुझे उसको वो सारी चीजें बताने के लिए ऐसी जगह पर, ऐसी ट्रिप पर ले जाना पड़ेगा जहां से वो सारी चीजें देख करके सीख सके। तो वो सब चीजें आगे फील्ड ट्रिप में आप केमिकल लेबोरेटरी में लेके जा सकते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीजें आती है रिक्रिएशनल एडवेंचर एक्टिविटीज पर। ये हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन लगातार 5 से 6 सालों में इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए रिसोर्सेज आउटसाइड द स्कूल आपका कंप्लीट हुआ। मीडिया, मीडिया सबको पता है 3 तरह की होती है, प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये आपके इतना नहीं है, छोटी सी बात है। मीडिया के अंदर अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया जर्नल्स एंड मैगजीन्स, अभी आपने देखा भी होगा जब मैंने क्वेश्चन आपको बताया था 2019 का, तो आपको पूछा गया है कि गणित शिक्षण की कोई भी जर्नल्स, 2 जर्नल या 2 मैगजीन्स के नाम बता दीजिए उससे क्वेश्चन। और ये भी हो सकता है कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल बालकों के लिए या माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए क्यों आवश्यक है, ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है, कैसे उनको संगठित किया जाता है। और फिर आता है बुलेटिन के द्वारा बालकों में कैसे विकास करेंगे, कंप्यूटर, सी ए आई जो आप सब पढ़ चुके हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये थी आपकी पूरी सेकेंड यूनिट जो आज आपके सामने है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रखनी है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं तो वो क्वेश्चन आपको सारे के सारे अपनी कॉपीज में उतारने हैं। अगर आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे मांग लें, वरना आप वीडियो को पॉज करके भी वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2018 और 2019 के क्वेश्चंस अगर आपने रिपीट कर लिए तो ये टॉपिक आपका 101% कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है या इनके आंसर्स आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। हैव अ नाइस डे।